हाँ, तो फाइनली आपको ये जानना है कि सेमरस का एफिलिएट अकाउंट कैसे ज्वाइन करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हम सेमरस के बीरस एफिलिएट के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यह है इसका लॉगिन और साइनअप पेज। और हम यहाँ से ज्वाइन नाउ पर क्लिक करके अपना पहला न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और आपको भी बताते हैं कि कैसे इसमें साइन इन करना है। तो मैंने इसमें पहले से ही लॉगिन अकाउंट बना रखा है, मगर मैं फिर से इसमें अकाउंट बना देता हूँ क्योंकि मुझे आपको शो करना है कि कैसे इसका अकाउंट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ज्वाइन नाउ का पूरा फॉर्म दिख जाएगा, इसमें आपको ईमेल पासवर्ड फिल करना है, बस इतना सा ही फिल करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका वेबसाइट का यूआरएल डाल देना है और ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है और सिंपल सा है। और नीचे में इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं उनको सारों को टिक कर देना है और एक ऑटोमेटिकली टिक होता है। तो फिर उसके बाद आपको ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जीमेल पर एक कंफर्मेशन ईमेल सेंड किया जाएगा। तो वहां पर जाके आपको उस लिंक पर क्लिक करना है ताकि आपका ईमेल है वो कंफर्म हो सके और आपका ह्यूमन वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। तो यहां पर हमारा ईमेल ओपन हो रहा है। यहाँ पर ओपन हो चुका है और देखिए फोर्थ नंबर में मेरा बीरस एफिलिएट प्रोग्राम का कंफर्मेशन ईमेल पहले से आया हुआ था। तो यहाँ पर आपको आना है और एक्टिवेशन ईमेल पर क्लिक करना है। एक्टिवेशन का लिंक यहाँ पर सेंड किया गया होता है बीरस की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ईमेल है वो ऑटोमेटिकली कन्फर्म करवा दिया जाता है और उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड है बीरस का आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने लॉगिन कर लेते हैं अपने बीरस के डैशबोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए बीरस, जैसे ही हम बीरस के लॉगिन पेज पर आएंगे तो हमारा पहले से ही ईमेल और पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर रिमेंबर मी को टिक करके लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रोफाइल खुल के आ जाएगा और ये हमने पहले से एडिट कर रखा है। आप इसमें अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर पेपल का एड्रेस बिलिंग इन्फो में फिल कर दीजिएगा। पेपल का आपका जो ईमेल होता है आप उसे एंटर कर दीजिएगा और कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं या फिर आप उसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको नेम भरना है, साइट का यूआरएल देना है और यहाँ पर नॉर्मल कंटेंट पब्लिशिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि शायद आपका भी ब्लॉग ही होगा, ब्लॉग का वेबसाइट अगर ऐसा कुछ है, पोर्टल है तो आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट करना है, कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और आपका जो नॉर्मल नेटिव एड्रेस है आप उसे यहाँ पर फिल कर दीजिए और यहाँ पर पिन कोड और आपका फ़ोन नंबर और उसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पहले से ही टिक होता है। तो उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा और यहाँ पर आप अपना बिलिंग इन्फो फिल कर दीजिएगा। और टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर आप चाहें तो मैं वीडियो बना दूंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखें तो। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आपको पहले से ही कुछ रहेगा और आप यहाँ पर से आपका जो $100 क्रॉस होगा तो उसके बाद आपका एक नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कुछ इनका एक फ़ीचर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हम स्टैटिस्टिक्स में आ गए हैं और यहाँ पर हमने अभी कुछ भी सेल नहीं करवाया इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइम रेंज है यहाँ पर आप सेलेक्ट करके कुछ भी देख सकते हैं कि कितना हमारा इनकम हुआ और भी बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपका जो रियल रेफरल आईडी है वो शो हो जाता है और आपको आपका रेफरल अकाउंट, मतलब आपको लिंक मिलेगा कैसे, तो मेन है इसमें लिंक पाना। तो लिंक का यहाँ पर डायरेक्ट कोई शो नहीं किया हुआ है कि ये है आपका रेफरल लिंक जैसा कि अमेज़ॉन में होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आपको शो करते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर शो किया हुआ है कि कैसे हम अपना रेफरल लिंक बना सकते हैं बीरस का। तो यहाँ पर देखिए बीरस के एक हम ब्लॉग पर आ चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको यहाँ तक जो
sambrus.com kb/ref करके उसके बाद आपका जो कोड होना चाहिए। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, और उसके बाद आप अपना जो भी आईडी है उसे आप यहाँ पर उसके बाद में पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर हम न्यू टैब को ओपन करते हैं और उसमें उसके जो लिंक है उसके बाद हम इस अपने रेफरल कोड को पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हमारा जो एफिलिएट लिंक है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं और ये रहा हमारा रेफरल लिंक। अब आप इसे जिन भी फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने वेबसाइट पर शेयर करेंगे और इसके बाद जो भी इसमें से परचेस होगा और वो आपके रेफरल अकाउंट में ऐड होता जाएगा पैसा, और वो रिकरिंग इनकम होगा। मतलब कि जब भी ये लोग खरीदेंगे, एक बार जब लोगों ने आपके लिंक से ख़रीद लिया और उसके बाद जब भी खरीदेंगे तो आपके रेफरल अकाउंट में पैसे ऐड होते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इनके सेमरस के अकाउंट पर आ चुके हैं, सेमरस के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, और यहाँ से हम कुछ भी परचेस करेंगे तो हमारा जो लिंक, हमारा जो रेफरल अकाउंट है उसमें सारा पैसा ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि किस तरह से सेमरस का एफिलिएट आईडी बनाया जाता है और एफिलिएट अकाउंट ज्वाइन किया जाता है। तो फाइनली आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब से मैं एफिलिएट और भी जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के चीज़ें होती है उन्हीं के बारे में बताया करूँगा, और अगर आपको और भी कुछ माइंड में आइडियाज़ हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बना सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।